किसी को भी आया हो, सपना किसी को भी आया हो, शिलान्यास किसी ने भी किया हो, लेकिन देश का भला उसमें है कि हम इन सारी चीजों को परिपूर्ण करें और लोगों के सपनों को साकार करें। और इसलिए मैं भारत सरकार में एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं आजकल, और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर खुद बात करता हूं, और ऐसे जो अटके पड़े प्रोजेक्ट हैं, किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं, ऐसे स्टॉल प्रोजेक्ट को गति देने के लिए एक विशेष प्रयास करता हूं। पिछले दिनों कुछ अखबारों ने लिखा था कि लाखों करोड़ों के स्टॉल प्रोजेक्ट अब उस कैदखाने से बाहर निकले हैं और तेज गति से परिपूर्ण होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ये प्रोजेक्ट भी है जिसका आज उद्घाटन संभव हुआ है। आने वाले दिनों में भी मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की अगर प्रगति करनी है, तेज गति से प्रगति करनी है, समय रहते अगर प्रगति करनी है, तो भारत का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर जो है उसका तो विकास हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, गोवा में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो पूर्वी छोर है, उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य हो, अगर इसका विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान का विकास अधूरा रहेगा। और इसलिए भारत के पूर्वी छोर का विकास, इस पर सबसे ज्यादा बल देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और तभी भारत जाकर के भारत का संतुलित विकास होगा, भारत का सर्वांगीण विकास होगा। और इसलिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है, और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को न सिर्फ हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका, लेकिन हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके के साथ सटे हुए देश जिनके साथ सहज रूप से हमारे व्यापारिक संबंध यहां से विस्तृत हो सकते हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे सिंगापुर मलेशिया हो, उधर इंडोनेशिया हो, ये सारे देश हमारे इस भूभाग के विकास के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत बड़ी ताकत देती है।